उपहार, गिफ्ट या तोहफा हम किसी दूसरे को देते हैं जब कोई खुशी का मौका होता है, या गिफ्ट देने का मतलब होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को जताते हैं कि हमारे मन में उसके लिए कितना प्रेम है या हमारे मन में उसके लेकर कितनी अच्छी भावना है। गिफ्ट देने से सामने वाले को प्रसन्नता होती है और कहीं ना कहीं मित्रता गहरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जिनको देने से हमारा स्वयं का और सामने वाले का दोनों का नुकसान हो सकता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, गिफ्ट बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए और आप गिफ्ट क्या दे रहे हैं इस बात के ऊपर भी आपको गौर करनी चाहिए। साथियों, वैसे तो हर कोई किसी ना किसी को कोई उपहार या गिफ्ट जरूर देता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि गिफ्ट देना एक बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन बिना सोचे समझे गिफ्ट देना आपको और सामने वाले दोनों को मुसीबत में डाल सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी को घड़ी गिफ्ट में देते हैं तो उसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर घड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं तो कौन किसे घड़ी गिफ्ट कर सकता है, घड़ी गिफ्ट करने के क्या नियम है, उनको अगर आप जान लेंगे तो कभी भी आपको घड़ी गिफ्ट देने का कोई बुरा इंपैक्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी भक्तों को साल 2022 दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का यह त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो प्यारे बंधु जनों, चलिए अब देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधु जनों, हाथ पर बांधने वाली घड़ी, जी हाँ, घड़ी का कार्य होता है समय दिखाना। घड़ी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि घड़ी गिफ्ट करने में जितनी अच्छी लगती है, या शायद यूं कह लीजिए कि सबसे इजी और सबसे जो सरल तरीका है गिफ्ट का, वो शायद घड़ी ही है। लोग समझते हैं कि घड़ी अच्छी सी दान गिफ्ट कर दें, सामने वाला भी खुश होगा, हमें भी खुशी मिलेगी। हालांकि दान आप कर सकते हैं, गिफ्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सभी काम बनते हैं, आपका टाइम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, अगर ऐसे में आप किसी ऐसे को घड़ी गिफ्ट देते हैं जो परेशानियों में चल रहा हो, या जिसके ऊपर कष्ट चल रहे हो, जिसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा हो, यानी कि आप किसी ऐसे पर्सन को घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं जिसकी लाइफ में काफी संघर्ष चल रहा है, तो आप अपना अच्छा टाइम उसे दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका खराब समय अपने ऊपर ले रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यह आपको घड़ी गिफ्ट देनी चाहिए या नहीं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं है, घर में भी लड़ाई झगड़े रहते हैं,
जीवन में भी बहुत तनाव चल रहा है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, और किसी का बर्थडे आ गया या कोई एनिवर्सरी आ गई, अगर आप सामने वाले को घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब है आप अपनी सारी परेशानियां उस सामने वाले को दे रहे हैं। एक तरफ तो आप उसको अच्छे टाइम के लिए घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना बैड टाइम भी उसके ऊपर लाद रहे हैं। तो अगर आपका टाइम ठीक ना चल रहा हो तब भी आपने घड़ी गिफ्ट नहीं करनी है। ये दो पॉइंट मेन हो गए कि एक तो अगर सामने वाले की कंडीशन ठीक नहीं है तब भी आपने घड़ी गिफ्ट नहीं करनी है, आपकी ठीक नहीं है तब सामने वाले को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी है। अब बात आती है कि घड़ी गिफ्ट करने का सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा समय। अगर आप सामने वाले को घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया मजे में है, आप भी बहुत बढ़िया मजे में है, दोनों की लाइफ सेट है, दोनों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप सामने वाले को घड़ी गिफ्ट करो, आंख बंद करके गिफ्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कई लोगों का कमेंट आता है कि शास्त्री जी मेरी एनिवर्सरी मतलब मेरी वो एंगेजमेंट हो चुकी है, क्या मैं अपनी वाइफ को घड़ी गिफ्ट कर सकता हूं या क्या मैं अपने हस्बैंड को घड़ी गिफ्ट कर सकती हूं? तो देखिए, आपकी जो है आपका एक तरह से रिश्ता पक्का हो चुका है, अब आप दोनों आपस में एक दूसरे को क्या तोहफा दें ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, लेकिन शादी से पहले आप घड़ी एक्सचेंज ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है। घड़ी की जगह पर आप कोई रोज दे सकते हैं या कोई उनके अलावा उनकी कोई मनपसंद चीज हो, जैसी कोई नोवेल हो या कोई और उनकी प्यारी चीज, ब्रेसलेट हो गया, ये चीज आप दान कर सकते हैं। शादी से पहले आप घड़ी ना गिफ्ट करें तो ही ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर कई लोगों का कमेंट आता है, शास्त्री जी मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, क्या मैं उसको वॉच गिफ्ट कर सकता हूं? अरे हाँ भाई, अगर दोनों की कंडीशन ठीक है, आपकी भी सामने वाले की, आराम से आप उसको घड़ी गिफ्ट करें, कोई परेशानी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।